दोस्तों 3 नवंबर अंतरिक्ष के इतिहास में अहम दिन है। इसी दिन यानी 3 नवंबर 1957 को रूस ने स्पुतनिक 2 नाम के अंतरिक्षयान में लाइका नाम की एक डॉगी को अंतरिक्ष में भेजा था। स्पुतनिक 2 में बैठकर उसने धरती के चक्कर भी लगाए थे। लाइका को एक तरह से परीक्षण के लिए भेजा गया था। इस मिशन का एक मकसद यह जानना था कि अंतरिक्ष में किसी इंसान को भेजना कितना सुरक्षित है और वहाँ की स्थिति कैसी है। दुखद बात यह है कि लाइका ने इस स्पेस मिशन में अहम भूमिका निभाई, लेकिन वह धरती पर जीवित वापस नहीं आ सकी। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानते हैं स्पुतनिक 2 मिशन के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, यह एक ऐसा सुसाइड मिशन था जो मानवता के लिए बड़ा बलिदान साबित हुआ। इसे सुसाइड मिशन इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि मिशन में शामिल वैज्ञानिकों को अंदाजा था कि लाइका का धरती पर जिंदा वापस लौटना संभव नहीं है। उन्होंने जो अंतरिक्षयान बनाया था उसमें तकनीकी खामी थी। तकनीकी रूप से वह रॉकेट इतना सक्षम नहीं था कि धरती पर वापस लौट सके। दरअसल सोवियत लीडर निकिता की डिमांड पर जल्दबाजी में रॉकेट को तैयार किया गया था। जल्दबाजी की वजह से उसको तकनीकी रूप से ज़्यादा सक्षम नहीं बनाया जा सका। पहले जो योजना बनाई गई थी उसमें पूरा इंतजाम करना था ताकि लाइका वापस धरती पर जिंदा लौट सके। ज़्यादा एडवांस स्पुतनिक 2 के निर्माण पर काम चल रहा था, लेकिन दिसंबर से पहले उसको तैयार करना संभव नहीं था। निकिता ने इस मिशन को प्रोपेगेंडा के तौर पर देखा। वह चाहते थे कि बोल्शेविक क्रांति की 40वीं जयंती पर मिशन को लॉन्च करना ज़्यादा फायदेमंद होगा। वैसे दावा तो किया जाता है कि लाइका ही पहला जानवर था जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया, लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है। हाँ, यह बात सही है कि लाइका पहला जानवर थी जो धरती की कक्षा में पहुंची। पहले जिन जानवरों को भेजा गया था उनको धरती की कक्षा में नहीं भेजा गया था। 1947 में काफ़ी ऊंचाई पर रेडिएशन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए V2 रॉकेट में फ्रूट फ्लाइज को भेजा गया था। अगले साल उसी विमान में रिसस प्रजाति के बंदर को भेजा गया था। सोवियत रूस ने अल्विना नाम की एक डॉगी को भी भेजा था। वह कक्षा के आधे रास्ते पर जाकर लौट आई थी। कुछ का कहना है कि स्पुतनिक 2 में पहले अल्विना को ही भेजने की योजना थी, लेकिन लाइका को उसके शांत स्वभाव के कारण चुना गया था। स्पुतनिक 2 का साइज एक वॉशिंग मशीन जितना बड़ा था। लाइका को स्पुतनिक 2 के अंदर खुद को जीवित रखने के लिए प्रशिक्षण देने के मकसद से उसे छोटे छोटे पिंजरों में प्रशिक्षण दिया गया। लाइका को अंतरिक्ष मिशन पर जाने से पहले पूरा प्यार दिया गया। उसे अपने घर ले जाया गया ताकि वह अपने बच्चों के साथ खेल सके। मिशन पर रवाना होने से पहले टीम ने उसको गुड बाय कहा और उसके नाप को चूमा। अंतरिक्ष में स्पुतनिक 2 की लॉन्चिंग के समय लाइका बहुत डरी हुई थी। उसके दिल की धड़कन और सांसें सामान्य से 3 से 4 गुना ज़्यादा तेज चलने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। करीब 3 घंटे बाद उसकी हालत सामान्य पर लौटी। लाइका की मौत का असल कारण लोगों से छिपाया गया था। लोगों के बीच इसको लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलाई गई थी। कुछ कहते थे कि लाइका ने उस जहर को खा लिया था जिसे उसको बेहोश करने के लिए तैयार किया गया था। कुछ लोग कहते थे कि दम घुटने से उसकी मौत हुई, तो कुछ का कहना था कि बैटरी फेल होने से उसकी मौत का कारण बना। असल कारण 2002 में सामने आया, जब सोवियत वैज्ञानिक दिमित्री मालाशेन्कोव ने वर्ल्ड स्पेस कांग्रेस में सच्चाई से पर्दा हटाया। अंतरिक्षयान का तापमान बढ़ने के कारण उड़ान के 4थे सर्किट के दौरान 7 घंटे के अंदर लाइका की मौत हो गई थी। क्योंकि अंतरिक्षयान को जल्दी में बनाया गया था, इसलिए उसमें तापमान नियंत्रण प्रणाली को सही से नहीं लगाया गया, जिस वजह से सिस्टम फेल हो गया। स्पुतनिक 2 गर्म से गर्म होता गया और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान को पार कर गया। अंतरिक्षयान के अंदर का तापमान काफ़ी बढ़ने के बाद एक बार फिर लाइका भयभीत हो गई और फिर वैज्ञानिकों ने उसकी धड़कन को तेज से तेज होते सुना। अंत में उन्होंने उसकी धड़कन को शांत होते सुना। स्पुतनिक 2 5 महीने तक अंतरिक्ष में रहा। 14 अप्रैल 1958 को जब वह धरती पर लौटने लगा तो विस्फोट के बाद लाइका के अवशेषों के साथ टुकड़ों में बट गया। लाइका की अंतरिक्ष यात्रा के बाद अंतरिक्ष से जुड़े एक रहस्य से पर्दा उठ गया था। अब साफ हो गया था कि किसी जीवित प्राणी को भारी अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है। वैज्ञानिकों में की समझ में आ गया था कि पूरी तैयारी के साथ अगर भेजा जाए तो फिर अंतरिक्ष में जिंदा रहना भी मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए